हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। ये जो अपडेट आया है वो आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। UGC की वेबसाइट पे पिछले दो दिन पहले ये अपडेट आया था, उसमें उन्होंने ये नोटिस डाला था कि अगर किसी की कोई फेलोशिप चली हुई है, उसमें कुछ एक फेलोशिप के नाम स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, और उनमें से या कोई और फेलोशिप चली है जिसमें कि किसी न किसी वजह से फेलोशिप रुकी हुई है, और उसमें रुकने की वजह क्या है कि इनकरेक्ट अगर इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कोई नाम में या अकाउंट में, IFSC कोड में, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे अभी। तो उनमें अगर कोई करेक्शन करनी है तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट उसका होता है और एक प्रोसीजर उसके लिए फॉलो किया जाता है। तो वो क्या प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम जो है वो करेक्शन करवा सकते हैं, किसी भी तरह की सर्टेन टाइप ऑफ करेक्शन हो जो जरूरी हो करवाने के लिए और जिसकी वजह से हमारी फेलोशिप रुकी है, और वो फॉर्मेट क्या है और कौन कौन सी फेलोशिप की बात उसमें खास तौर से की गई है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट में कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ किसी की अगर फेलोशिप रुकी है ड्यू टू सर्टेन करेक्शंस, और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह है वो नोटिफिकेशन जो जारी की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 27 तारीख को इस महीने की, और इसका जो सब्जेक्ट दिया है दैट इज करेक्शन इन द बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिसीविंग स्कॉलरशिप। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको इसके सब्जेक्ट में बताया कि अगर किसी की फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं आ रही है ड्यू टू सर्टेन रीजन, कोई डिटेल मिसमैच है, और वो किस तरह की मिसमैच है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उसको करेक्ट करने के लिए ताकि वो फेलोशिप आ सके, स्कॉलरशिप मिल सके और टाइमली मिल सके, उसके लिए ये नोटिस UGC ने पब्लिश किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी का नेम मिसमैच है, सबसे पहले क्या बोला है, नेम मिसमैच, नेम एज गिवन इन अदर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट मैच विद द नेम एज रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट, कि जो आपने अकाउंट में नाम दे रखा है या जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है वो और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए जो आपने एप्लीकेशन भरा था उस नाम में मिसमैच है, स्पेलिंग का मिसमैच है, सरनेम का मिसमैच है, या पूरा नाम ही गलत है, तो उसके लिए आप करेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा, बैंक अकाउंट इज नॉट आधार वेरीफाइड और लिंक्ड, अगर आपके अकाउंट के साथ जो है आधार लिंक्ड नहीं है या आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है उसके साथ, तो जो है आपकी स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं आएगी, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तीसरी बात क्या कही है, बैंक अकाउंट नंबर इज नॉट करेक्ट, कि अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है वो गलत है या आपने गलती से गलत भर दिया है बैंक अकाउंट नंबर जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे। और चौथा, IFSC कोड अगर आपने बैंक का गलत भर दिया है। और पांचवा, बैंक अकाउंट इज इन अदर्स नेम, कि अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल तो दे रखी है लेकिन वो किसी और के नाम का खाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के पास खाता नहीं है, उसको स्कॉलरशिप मिल रही है और वाइफ का नाम उसने दे दिया, या फादर का खाता आपने दे दिया है या मदर के नाम का खाता आपने दे दिया है, तो वो भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे बाप बेटे का इकट्ठा अकाउंट है, और उसमें से एक अकाउंट होल्डर का नाम जो है वो स्कॉलरशिप में आपने मेंशन किया है और उसका नाम ही अकाउंट में है, तो कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। बैंक अकाउंट इज नॉट ऑपरेशनल, कि बैंक अकाउंट तो है लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है काफ़ी एक साल से दो साल से और वो फ्रीज हो रखा है अकाउंट, या आपका कोई और प्रॉब्लम उसमें आ रखी है, वो चालू हालत में नहीं है उसके लिए, और एनी अदर रीजन नॉट मेंशन अवर, और किसी और कारण की वजह से जिसकी वजह से आपका कोई जो डिटेल है वो मिसमैच है, गलत दे रखी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए इन्होंने क्या बोला है, देयरफॉर द स्टूडेंट्स हुज पेमेंट हैज़ फेल्ड आर एडवाइज्ड टू सेंड देयर करेक्ट बैंक डिटेल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द सेम एट इंस्टीट्यूट लेवल ए स्कैंड कॉपी ऑफ द सेम मे बी फॉरवर्डेड बाय द इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर थ्रू ईमेल टू nspugc1@gmail.com। क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए इस तरह की कोई मिसमैच है जिसकी वजह से आपकी पेमेंट फेल हो रही है, नहीं हो रही है अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा, तो आप एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा जो है जो कि अटैच किया गया है इसके साथ, उसमें सारी डिटेल करेक्ट डिटेल भर करके जो है वो दे सकते हैं, और उस डिटेल को उस फॉर्म को क्या करेगा, वेरीफाइड फॉर्म जो इंस्टीट्यूट लेवल पर वेरीफाई होगा, चाहे आपका डायरेक्टर करेगा, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट करेगा या रजिस्ट्रार करेगा, उसको जो है जो इंस्टीट्यूट का नोडल ऑफिसर है बजट सेक्शन में जो होता है वो मेल के थ्रू भेजेगा, कौन सी मेल, NSPUGC
1@gmail.com पे, और फिर जा करके स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक में आल्सो भी अटैच्ड, और उसके साथ ही बैंक की स्कैन कॉपी जो है बैंक पासबुक में वो भी अटैच करनी पड़ेगी। और वो काम जो है ये परफॉर्मा और बैंक अकाउंट की कॉपी वो आप 10 दिसंबर 2020 से पहले पहले जो है वो भेज दें, ताकि आप जो है वो सारी करेक्ट करवा सके इन्फॉर्मेशन, और करेक्ट होने के बाद ताकि आपको टाइमली पैसा जो है वो मिल सके। कौन कौन सी स्कॉलरशिप इसमें कही गई है? ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2017-18, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड 2017-18, 18-19 और 19-20, और तीसरा इन्होंने बोला है पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर 2017-18, 18-19, 19-20। तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन सा है परफॉर्मा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, परफॉर्मा फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन द बैंक अकाउंट डिटेल, देखिए नेम ऑफ द स्कीम आपको ऊपर भरना है, ईयर ऑफ सिलेक्शन किस ईयर में सिलेक्ट हुए वो भरना है, इसमें नेम भरना है अपना नीचे कॉलम नंबर 1 में, 2 में आपका जो किस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भरना है, NSP ID नंबर भरना है जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, प्रीवियस बैंक डिटेल जो आपने पहले भर रखी है, और नई जो करेक्शन करके आपको देनी है करेक्ट करके देनी है, या अगर आपने पहले भी वही डिटेल भर रखी है लेकिन कुछ गलती हो गई थी और नया आपको भरना है, तो आप इसमें बैंक अकाउंट डिटेल फॉर करेक्शन वाले में भर सकते हैं। रीजन इसमें लिखना है कि क्या चेंज आपको करवाना है, क्यों करवाना है और क्या कारण है। नीचे आपको नेम एंड डेट, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट वो भरना है अपना, और इसके आगे नोडल ऑफिसर भरेगा सारी डिटेल, और उसके आगे जो है डायरेक्टर या रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल जो है वो साइन सील करेगा अपना डिटेल भरेगा। ये परफॉर्मा जो अटैच किया गया है इसमें आपको करेक्शन करके भेजना है, और इसको करेक्ट करवा करके और वेरीफाई करवा करके आपको नोडल ऑफिसर को भेजना है ताकि वो इसको प्रोसेस कर सके। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है फेलोशिप लेने में, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।